press the bell icon on the YouTube app and never. एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बहुत खूबसूरत बात रखी है क्योंकि वो पाकिस्तान को भी रिफॉर्म करना चाहता है, वो चाहता है कि पाकिस्तान में भी लोग शिक्षित हो, लेकिन पाकिस्तान इनके इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कैसे करेगा, कैसे कर सकता है? आप शिक्षित हो जाएंगे, पाकिस्तान शिक्षित हो जाएगा तो 9 साल की बच्ची का बलात्कार फिर कैसे कर सकता है? एक शिक्षित आदमी 9 साल की बच्ची का बलात्कार कर सकता है क्या? पॉसिबल है? एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बहुत अच्छी बात कही है कि हमारे जो एडुकेशन. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडियाज भारत पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के पत्रकार और यूट्यूबर रिबाह इमरान को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाजिया लाई खान जी, जो कि अपने दमदार और बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट दमदार और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। ये है कि दोनों कंट्रीज के जो रिलेशन है, अभी आपने रिसेंट एक देखा कि शेख हसीना के साथ जो भी मामला हुआ, उसके अलावा इंडिया, अभी एक खबर सामने आती है कि इंडिया की जानिब से बांग्लादेश को 16 या 17 जो चीज़ें हैं वो बैन कर दी गई। कुछ आर्टिकल्स कहते हैं ये फेक है न्यूज़, कुछ आर्टिकल्स ये कहते हैं कि ये सही है न्यूज़। क्या रीजंस हैं पाकिस्तानी मीडिया में, यानी कि काफ़ी हमारे जो कलीग्स हैं उन्होंने भी इस पर किया और आलोक सर ने भी इस पर कहा कि ये फेक है न्यूज़, इस तरह की कोई न्यूज़ नहीं है बल्कि दोनों कंट्रीज़ के दरमियान ट्रेड बहाल है, इस तरह की बहुत सारी खबरें हैं। क्या समझती हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, एक बायस्ड सरकार बांग्लादेश में बनी है और जब इंटरिम सरकार बन रही थी और वहाँ के इंटरिम सरकार के जो प्रधानमंत्री हैं, वजीर आजम हैं, जब वो शपथ ले रहे थे तो मोदी जी ने साफ लफ्जों में उनको ये बात कहा था कि हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसको खत्म किया जाए, पर टिल डेट हिंदुओं पर अत्याचार खत्म नहीं हो रहा है। यहाँ तक के बांग्लादेश के जितने भी 3 फुटिया 4 फुटिया 5 फुटिया जो मौलाना लोग हैं वो लोग भी कह रहे हैं कि यहाँ पर पुलिस अधिकारी वही बनेगा जो ला इलाहा पढ़ सकता है, यहाँ पर IPS IAS वही बैठेगा इस चेयर पर जो ला इलाहा पढ़ सकता है, यहाँ पर प्रोफेसर इंजीनियर वो बन सकता है जो ला इलाहा पढ़ सकता है और दूसरों को पढ़वा सकता है। मेरे पास बांग्लादेश के ही एक पत्रकार हैं, मुस्लिम है वो बेचारे, और उन्होंने मुझे एक वीडियो भेजा जिसमें एक छोटे से हिंदू बच्चे को, शायद 13 या 14 साल का बच्चा था, वो पुलिस ऑफिसर में चौकी में जा करके सारे मुसलमानों ने कहा कि मुझे इसको आधे घंटे के लिए दे दीजिए, हम इसके साथ हिसाब किताब बराबर करके और उसके बाद फिर आपको रिटर्न कर देंगे, और पुलिस ने दे भी दिया और उसके बाद वो बच्चा मर गया। उसका मतलब क्योंकि मारने के लिए ही तो मांगा था उन्होंने, तो ये काटना मारना और ये दृश्य तो मैं खुद अपने सामने प्रैक्टिकली अपने लिए देख चुकी हूँ। तो काटना मारना इज लाइक अ वेरी इजी थिंग एंड इजी टास्क फॉर द तालिबानी मुस्लिम्स। और हमारा दुर्भाग्य भारत में ये होता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो राहुल गांधी की पार्टी से आते हैं और उनके बनाए हुए दल्ले और चमचे हैं राहुल गांधी के, जो हिंदू हैं रिलीजन से, लेकिन वो ऐसे मुसलमानों को फिनेंशियली बहुत सपोर्ट करते हैं काटने और मारने का कार्यक्रम करवाने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेड और ट्रेड के रिलेशंस जो भारत से हैं, अगर बंद हुआ है तो बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं हुआ है तो बंद कर देना चाहिए, बिल्कुल कर देना चाहिए। अजय मैम, एक और भी न्यूज़ हमारे सामने आती है, एशियन डेवलपमेंटल बैंक की जानिब से रिपोर्ट शाया होती है कि वो पाकिस्तान को लोन तब देंगे जब हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम को अडॉप्ट करेंगे, इस पर आप क्या ओपिनियन? देखिए, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बहुत खूबसूरत बात रखी है क्योंकि वो पाकिस्तान को भी रिफॉर्म करना चाहता है, वो चाहता है कि पाकिस्तान में भी लोग शिक्षित हो, लेकिन पाकिस्तान इनके इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कैसे करेगा, कैसे कर सकता है? आप शिक्षित हो जाएंगे, पाकिस्तान शिक्षित हो जाएगा तो 9 साल की बच्ची का बलात्कार फिर कैसे कर सकता है? एक शिक्षित आदमी 9 साल की बच्ची का बलात्कार कर सकता है क्या? पॉसिबल है? एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बहुत अच्छी बात कही है कि हमारे जो एडुकेशन जो स्कीम्स है वो उसको उलास
ULLAS उसको पाकिस्तान को अडेप्ट करना चाहिए और उन स्कीम्स पर काम करना चाहिए और भारत के प्रधानमंत्री या फॉरेन मिनिस्टर से गौर तालाब करनी चाहिए और आपके मुस्लिम इस्लामिक देश में उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। बहुत खूबसूरत बात है, बहुत खूबसूरत बात है, लेकिन ये खूबसूरती वो ले करके करेंगे क्या? करेंगे क्या? आपके यहाँ मस्जिदों के अंदर रेप होता है रमजान में, क्यों इस बार 18 रमजान में एक मौलवी साहब ने एक 11 साल के बच्चे का, मेल बच्चे का रेप नहीं किया था, अनल सेक्स किया था? किसी को अगर मेरी यह बात झूठ लग रही है तो चाहिए गूगल पे जाकर के ढूंढ कर निकालिए। ब्रिटेन में नाम का लड़का अरेस्ट हुआ है, 28 दिन पहले की बात है, 28 या 27 दिन पहले की बात है, जब उसको अरेस्ट किया है ब्रिटेन की पुलिस ने, तो ब्रिटेन की पुलिस ने कहा कि तुमने रेप किया है, तो उसने कहा कि नहीं मैंने तो रेप नहीं किया है, तो पुलिस ने कहा कि तुमने 11 साल की बच्ची के साथ तुमने सेक्सुअल रिलेशन किया है, वो तो रेप होता है, तो वो तो साफ कहा वो रेपिस्ट था कि नहीं हम मुझे पता ही नहीं था कि 11 साल की बच्ची के साथ सेक्स करने का मतलब रेप होता है, वो इलीगल होता है, वो तो साफ कहा है। और ये भी गूगल में है, आप निकालिए गूगल से, देखिए निकल जाएगा गूगल में, ब्रिटेन में ये हुआ। इससे पहले भी, एक साल पहले भी एक शहजाद नाम का ना ऐसा ही कुछ नाम था, उस नाम का लड़का अरेस्ट हुआ था, उसने 3 साल की बच्ची का रेप किया था, तो जब उसको अरेस्ट किया गया ब्रिटेन की पुलिस ने किया, तो उसने कहा कि उसको पता, वो तो मदरसे में पाकिस्तान में पढ़ा है और ये 3 साल की बच्ची के साथ इंटरकोर्स करने का मतलब इलीगल होता है, रेप होता है, ये उसको पता ही नहीं था। तो आपका सजेशन बहुत अच्छा है एडीबी की तरफ से, लेकिन आप मानेंगे क्यों और आप करेंगे क्यों? वो करने के लिए इंसान बनना पड़ता है, वो एडुकेट हो जाने के बाद आप हैवान नहीं बन पाएंगे। अब आप सोचिए कि आपके यहाँ पाकिस्तान, मैं भारत में रहती हूँ और मैं कभी पाकिस्तान नहीं गई, कभी नहीं। अगर किसी के बाप की ताकत है ना तो मुझे सामने आकर के कहे, मैं कब, तो पाकिस्तान के लोगों को क्या जरूरत पड़ गई थी मेरे अगेंस्ट में एक मुहिम चलाने की कि इसका सर तन से जुदा होना चाहिए? क्या वो आ सकते थे? क्या वो कर सकते थे? नहीं। हाँ, उनकी बातों को, वो मुहिम चला करके उनकी बातों को पश्चिम बंगाल के मुसलमानों ने माना और उन्होंने एक दृश्य पैदा किया मेरा सर तन से जुदा करने का, एक दृश्य पैदा कर दिया, लेकिन उससे हुआ क्या? तो अगर कोई शिक्षित हो जाता है तो क्या वो सर तन से जुदा करेगा? क्या वो रेप करेगा? क्या वो गाली गलौज करेगा? क्या वो औरतों को डिफेम करेगा? क्या वो औरतों को मलाइन करेगा? पर जो अपंग दिमाग के लोग होते हैं, जो जाहिल दिमाग के लोग होते हैं, जो बदतमीज मर्द होते हैं, जो आवारा लुच्चा लफंगा बेहुदा, जो अपने घर में माँ बहन को भी गालियां परोसता होगा, वो बाहर की औरतों को क्यों नहीं गालियां परोसेगा? बिल्कुल परोसेगा। मेरे पास तो कुछ ऐसे लड़कों के, ऐसे बुढ़े मर्दों के वीडियो है जो अपने घर में अपनी माँ बहन को गंदी गंदी गालियां दे रहा है, सड़ी सड़ी गालियां दे रहा है। अब वो व्यक्ति अगर आकर के मुझे गाली दे रहा है तो इसमें आश्चर्य की तो कोई बात नहीं है। मैं उसको रिटर्न में वो गाली नहीं दे सकती हूँ, बिकॉज आई एम एडुकेटेड, मैं शिक्षित हूँ, मैं नहीं दे सकती। तो मुझे ऐसा लगता है कि वेस्टेज ऑफ टाइम किया है एडीबी ने कंप्लीटली वेस्टेज ऑफ टाइम किया है। और सजेशन अच्छा था उसकी तरफ से, लेकिन इट्स कंप्लीटली वेस्टेज ऑफ टाइम, बिकॉज पाकिस्तान के अवाम अगर शिक्षित हो जाएगी तो वो इंसान नहीं बन जाएगी, और पाकिस्तान इस्लामिक देश की अवाम इंसान बनना कब चाहती है? इंसान बन जाएगी तो 6 साल की बच्ची में औरत कैसे दिखाई देगी? पॉसिबिलिटीज ही तो घट जाएगी ना शिक्षित होने से। देखिए, मुझे प्रॉब्लम है कि अगर जैसे हमारे यहाँ आसाराम बापू है, उसने रेप किया, मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ, मैं घिन करती हूँ। और आप पाकिस्तानी चैनल से मुझे मेरी बात सुन रही हूँ और मैं कह रही हूँ कि मैं घिन करती हूँ। और मुझे याद है कि जिस बच्ची ने आसाराम बापू के ऊपर केस किया था, हमारे वेस्ट बंगाल में ही द स्प्रिंग होटल में वो बच्ची आई थी, तो मैं सम्मानित करने के लिए गई थी और मैंने उसका पेट थपथपाया था कि इतनी साहस, इतनी हिम्मत सारी बच्चियों में होनी चाहिए। कई बार कहा है नेशनल न्यूज पर कि भैया इसको पेरोल देना बंद करो। एक बलात्कारी को कौन सा पेरोल मिलता है भैया, कौन सा पेरोल मिलता है? मैंने यहाँ पश्चिम बंगाल में विक्टोरिया हाउस है, विक्टोरिया मेमोरियल है, वहां पर खड़े होकर के नेशनल न्यूज को कहा है कि हमारे भारत के जज को भी चाहिए कि किसी भी बलात्कारी को रेमिशन ग्राउंड पर या एक्वेटल पर
या किसी भी तरीके से बेल नहीं हूं, किसी भी बलात्कारी को, फॉरगेट अबाउट कास्ट एंड क्रीड, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है कि कौन हिंदू है और कौन मुस्लिम है। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि बलात्कारी अगर राम रहीम है तो वो बलात्कारी है और मैं उसको बलात्कारी ही बोलूंगी, तो मैं उसको बलात्कारी ही बोलूंगी और उसका नाम लूंगी। किसी के बाप की ताकत नहीं है कि मेरा मेरे को नाम लेने से मना कर सकता है। उसकी शादी में मेरे पश्चिम बंगाल की मुसलमान जवान जवान बेटियां सुंदर बन बन करके, मेकअप पॉलिश कर करके बलात्कारी की शादी में 10 साल से जेल खट करके आए हुए बलात्कारी की शादी में गई थी बिरयानी खाने के लिए। अब इसमें भी तो कोई दो राय नहीं है भाई, मुसलमान बेटियां सच सवर करके, जवान जवान मुसलमान बेटियां सच सवर करके एक शादी में जाती हैं बिरयानी खाने के लिए, तो ऐसे लोग शिक्षित होकर के क्या करेंगे, इनको शिक्षा से क्या लेना देना। मैम एंड पर क्या मैसेज देना चाहेंगे जो व्यूवर्स आपको देख रहे हैं? मैं एंड पर पाकिस्तान के उन युवाओं को कांग्रेस मुबारकबाद और उनको हिम्मत देना चाहूंगी कि जिसने मेरे लिए एक मुहिम चलाई थी कि नाजिया का सर तन से जुदा होना चाहिए। नाजिया जिंदा है, जिंदा तब जब तक रहेगी जब तक अल्लाह उसको जिंदा रखना चाहेगा। जरा अपने मुहिम में और इजाफा करो, जरा अपने मुहिम में और बढ़ोतरी लेकर के आओ, जरा और जोर से नाजिया इलाही खान के सर तन से जुदा का नारा लगाओ, उनको जरा पैसे वैसे और भेजो, सिर्फ 250 वकील ऐसे कैसे चलेगा, थोड़े पैसे और भेजो, थोड़ा और उन पर खर्च करो, खर्च करोगे तभी वो मेरा गला काट पाएंगे तभी। अभी तो सिर्फ 8 FIR है, 8 को 800 करवाने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं। काइंडली पैसे खर्च करो पश्चिम बंगाल के उन मुसलमानों पे जिसने नारा लगाया है मेरे खिलाफ। तो जो पैसा आपने भेजा है वो शायद अब तक खत्म हो गया हो। नहीं आया भाई दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया इलाही खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त और दमदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।